वन व्रत इंदौर में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य मई माह के पहले सप्ताह में शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर वन विभाग द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस वर्ष व्रत स्तर पर 8000 मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही सरकार ने प्रति मानक बोरा की दर 3000 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दी है, जिसका फायदा संग्रहणकर्ताओं को मिलेगा। दरअसल प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में वन विभाग द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया जाता है। इस वर्ष भी वन व्रत इंदौर में तेंदुपत्ता संग्रहण को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इसको लेकर फड़ मुंशी से लेकर परिषद अधिकारी तक सभी प्रशिक्षण दिया गया है, साथ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बैठक लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तेंदुपत्ता भंडारण से लेकर पारिवारिक सर्वे का कार्य भी शुरू हो गया है। इस वर्ष 8000 मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं प्रति मानक बोरा दर 4000 रुपए कर दी गई है। वन व्रत इंदौर CCF नरेंद्र कुमार सनोडिया के अनुसार इस वर्ष 4 करोड़ रुपए की राशि संग्रहणकर्ताओं तक पहुंचेगी। तेंदुपत्ता चोरी ना हो, इसको लेकर फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाया गया है। वर्ष 2024 में अभी हमारा तेंदुपत्ता का संग्रहण का सीजन प्रारंभ हो रहा है और इस संबंध में एक कार्यशाला दिनांक 13 अप्रैल को यहाँ पर वन व्रत कार्यालय में आयोजित की गई थी। इस पर भोपाल से जो प्रतिनिधि आए हुए थे मिस्टर प्रफुल्ल फुल जिले CCF स्तर के अधिकारी, इनके द्वारा विभिन्न जिला यूनियन के प्रबंध संचालकों के साथ में बिंदुवार बैठक आयोजित की गई और उसमें तैयारियों का के बारे में चर्चा की गई कि क्या तैयारियां हम लोगों की पूरी हुई हैं। हमारे जो वन व्रत है उसका जो लक्ष्य है वो करीब 8000 मानक बोरा है और इसके भंडारीकरण को लेके पूरी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर ली है। स्टाफ हमारे फड़मुंशी से लेके परिचित अधिकारी, नोडल अधिकारी जो भी होते हैं, समस्त सभी को प्रशिक्षित कर दिया गया है। उनको जो भी स्टेशनरी की आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कर ली गई है और जो सर्वे रजिस्टर हम लोग जो प्रारंभ करते हैं पारिवारिक सर्वे, उसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तो संभवतः है हम लोग मई के प्रथम सप्ताह से उसमें हम लोग संग्रहण का कार्य प्रारंभ करेंगे और जो गुजरात से जो लगे हुए जिले हैं जिसमें प्राथमिकता के तौर पे पत्तों का चूँकि आदान प्रदान संग्रह किधर से उधर ले जा लेते हैं, तो प्राथमिकता के तौर पे हम लोग उन क्षेत्रों में पहले संग्रहण चालू करेंगे ताकि हमारे प्रदेश का पत्ता हमारे संग्राहकों के पास ही संग्रहित होकर हमारे जिला यूनियन में आय का साधन बने। इसके साथ ही हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाया हुआ है ताकि किसी प्रकार की चोरी भी तेंदुपत्ता की एडजॉइनिंग एरिया में ना हो। बाकी बीच बीच में हम लोग समस्त जो निर्देशों का लोगों को, हमारे स्टाफ को, ग्रामीण जनों को भी हम लोग प्रशिक्षित करेंगे ताकि अच्छी गुणवत्ता का हम लोग पत्ता इस वर्ष भी संग्रहित कर सकें। इस बार कितना मानक बोरा राशि तय की गई है? लगभग 8000 मानक बोरा है और इस वर्ष जो तेंदुपत्ता संग्रहण का दर है शासन ने 3000 प्रति मानक बोरा से बढ़ा के 4000 प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी आय का साधन करीब 3-4 करोड़ की राशि जो रहेगी संग्राहकों के बीच में जाएगी, पारिश्रमिक के रूप में वितरित होगी, तो ये ग्रामीणों के एक आय का साधन भी रहता है। तो आने वाले समय पे हम लोग ये कार्य संपादित करेंगे।